फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, अच्छी हूँ। और आप लोग का हमारे प्रीति ब्लॉग में स्वागत है। 8 सुबह के 8 बज गए हैं और हम चाय भी पी लिए हैं। तो आज के ब्लॉग में देखिए क्या होता है। बड़े दिन बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो ऐसा कभी बनाते तो नहीं है, आज फर्स्ट टाइम ऐसे बोल कर बना रहे हैं। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज है दशमी, आज है दशहरा। और आप लोग को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए और मेला खूब घूमिए। दशहरा के दिन हमारे यहाँ बनता है क्या? फरा बनता है और खीर बनती है जो पूजा में चढ़ता है। तो आज वही बनेगा, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ अभी लहसुन छिलने। फाइनली हम जा रहे हैं लहसुन छिलने, उसके बाद छिलकर आप लोगों से मिलते हैं। ये भाभी का बच्चा कुलूलो लग गया। छी छी, क्या कर दिए भाई तुम? गिर गया। सुबह सुबह लल्ला गिर गए। ओ माय गॉड, क्या हुआ? बच गए? लगी नहीं ना, रिमोट से लग जाती तुम्हारा टकलू फूट जाता, टकलू लाल हो जाता। लल्ला सब लहसुन मेरा गिरा दिए हो, लहसुन गिरा दिए सब। ए बदमाश, कहाँ? अरे मैया, मुझे ये छिलने नहीं देना। बेटा अभी इधर बैठो, इसके लिए हम किचन में नहीं छिले हैं, क्योंकि भाभी को कोई और काम है। भाभी काम कर रही थी कुछ और, तो हम सोचे यहाँ कमरे में बैठे बैठे लहसुन भी छिल लेंगे, इसको खिला भी लेंगे, मतलब इसको देख भी लेंगे। तो इसीलिए हम लहसुन यहाँ छिलने आ गए। ए बाबू इधर आना मत, देखो बदमाश आएगा जरूर। ये देखिए, खेलने में मगन है लड्डू। ये रहा मशीन, ये रहा फरा बन के तैयार। हमारा डिश बन रहा है, ये फराटी हो रही है फलाई। इसको हम तैयार कर रहे हैं। अच्छे से तो नहीं बन पाया है, फिर बन गया है, क्योंकि पता नहीं क्यों आटा फट जा रहा था, फिर सही से निकल नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से तो ये निकला है, सब टूट गया है। सो फ्रेंड्स, तो हमारा खाना बन के हो गया तैयार। वैसे आज हम लोग के यहाँ पलिहारी बाबा की पूजा थी, तो अम्मा इस वाले घर में पूजा नहीं की थी, पुराने वाले घर में पूजा की थी, क्योंकि चूल्हा बनाई थी मिट्टी का, तो उसी पर वो वहीं पूजा चढ़ाना भी था, मतलब पूजा करना भी था, तो वहीं बनाई थी, वहीं चढ़ाई भी थी, वहीं पूजा भी कर ली थी। तो सारा काम वहीं हुआ था ना, हम पुराने घर नहीं गए थे, तो आप लोग को हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं कि अम्मा पूजा कैसे की थी। हम तो यहीं रह गए और अभी तो बन गया है। अम्मा वहाँ बनाई थी पूजा का सामान, खाने के लिए भी बना दी थी, बस यहाँ किचन में हमारे फरा बना था, हम और भाभी मिलकर बना लिए थे। तो अभी तो यही बना हुआ है, फिर देखिए दोपहर को फिर दाल चावल जो भी बनेगा खाने के लिए। फाइनली ऐसे खीर में ही चावल का आटा बना दी गई, ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए ये चावल के आटे का बना हुआ है, ये है, ये खीर में डला हुआ है। और ये रहा फरा जो हम लोग किचन में बनाए थे, इसको बना के तल कर ले आए हैं। लगी है हमको बड़ी जोर से भूख, हम जा रहे हैं खाने, क्योंकि सुबह में बस चाय पी लिए थे हम लोग और कुछ खाए नहीं थे। नाश्ता में आज कुछ भी नहीं बना था। आप लोग भी खा लीजिए, आज दशमी के पलिहार बाबा की पूजा का ये प्रसाद है, सोचिए तो प्रसाद है पलिहार बाबा का, तो हम लोग तो खा ही लेंगे। आप लोग भी खा लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा था, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अब आगे का वीडियो बनाऊंगी तो ऐड करूंगी, नहीं बनाऊंगी तो फिर यहीं एंड करूंगी, और वैसे सोचूंगी कि वीडियो बना ही लूँ। ओके, मैं खा लेती हूँ।